वक्रतुंड महाप्रलय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नम मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शंभो पावतम शंभस्तापतु सूर्यः शंभः कानिक्रादत्ते अब हल चलाना प्रारंभ कीजिए। हे नारायण, हे विष्णु, जहां हल की पूजा होती है वहां कृषक कैसे भूखा रह सकता है? हे नारायण, यदि मेरे हल चलाने से आकाश का हृदय पिघलता है तो मैं सारी आयु हल चलाने के लिए तैयार हूं। उधर ले जाओ। चमत्कार हो गया, धरती माता ने हमें कन्या प्रदान की है। यह कन्या तो लक्ष्मी स्वरूपा है महाराज, इसके मिलते ही अकाल समाप्त हो जाएगा, धरती का आंचल भीग जाएगा। ईश्वर ने मुझे यह कन्या मेरा संतान ही संसार बसाने के लिए दी है। चिंता का दुख
राजा वही महान, कैसे रहे अकाल जब राजा बने किसान। धरती ने भी हर्ष से भर दी उनकी गोद, जनक सुता के जन्म पर छाया मोद प्रमोद, सुंदर कन्या है। इस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे शरीर में जैसे ममता का स्रोत फूट पड़ा, जैसे कि ये भूमि से नहीं मेरी कोख से जन्मी हो। प्रिय, तब तो मैंने जो निश्चय किया है वो सर्वथा उचित है। क्या निश्चय किया है नाथ? ये कन्या मेरी पुत्री बनकर इसी राजभवन में रहेगी। सत्यनाथ? हाँ प्रिय, आज के उपरांत ये मेरी और आपकी संतान कहलाएगी। मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मुझे ये पुत्री देकर मेरी सुनी गोद हरी कर दी। ये पुत्री आज से जनक दुलारी हो गई, जानकी हो गई। ये कैसे संभव है? ऐसे अनर्थ हुए तो हमारे समाज की तो नींव हिल जाएगी। आप सत्य कहते हैं आचार्य। यदि लोग यूं ही आगे चलकर खेतों में पड़े शिशुओं को अपनी संतान बनाने लगे तो सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा, जो हमारे पुरखों के परिश्रम का फल है और न जाने हम उस पर कब से चलते आ रहे हैं। हाँ। किंतु हे आचार्य, यदि राजा जनक ने स्वेच्छा से किसी कन्या को अपनी पुत्री माना है तो उसमें हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? ये कैसी बिना सिर पैर की बात कही आपने। अरे राजा जनक उच्च कुलीन है, महारानी सुनैना भी उच्च कुलीन है, किंतु ये भूमि कन्या उच्च कुलीन है अथवा नहीं हमें पता नहीं। इसके शरीर में किसका रक्त है हमें ये भी नहीं पता, और इसका कुल उसका तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं, हम ये सहन नहीं कर सकते। हाँ, हम मिथिला नरेश से जाकर पूछेंगे कि वे हमारे पुरखों की परंपरा को क्यों तोड़ रहे हैं। उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ, उन्हें उत्तर देना ही होगा। हाँ, चलिए। हाँ, चलिए। मिथिला राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। यहां किसी को भी अपने मन की बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैंने सुना है कि कुछ ब्राह्मण हमसे रुष्ट हैं। हाँ महाराज, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप उस दिन भूमि से प्राप्त हुई कन्या को अपनी पुत्री बनाने की सोच रहे हैं। सोच रहा नहीं हूं ब्राह्मण देव, सोच चुका हूं, निर्णय ले चुका हूं। अब वो मेरी पुत्री है और मैं औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर चुका हूं। यह कैसे संभव है महाराज? उस कन्या का तो गोत्र, वंश तथा समाज का कुछ अता पता नहीं। हाँ महाराज, वो ये भी नहीं जानता कि उसके माता पिता हैं कौन। हाँ, वंश, गोत्र, समाज,
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? वो कन्या है, वही कन्या जो माता का रूप होती है, वो तो जननी है। आप मुझे क्षमा करें श्रीमान, किंतु आप उसका वंश गोत्र और समाज पूछ रहे हैं जो स्वयं वंश गोत्र और समाज को जन्म देती है। उसका कुल तो समस्त संसार है। क्या इस धरती पर कोई भी वंश गोत्र या समाज बिना कन्या के जन्म ले सकता है? मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए संतान नहीं दी थी कि मैं इस कन्या का पिता बन सकूं। मैं महाराज से सहमत हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं गुरु शतानंद। यह सत्य है राजा जनक कि संसार में कन्या का स्थान सर्वोच्च है, वही माता का रूप धारण करती है, वही संसार की जननी है। क्या अब भी किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं राजगुरु होने के नाते घोषित करता हूं कि मिथिला नरेश जनक को भूमि कन्या को अपनी पुत्री मानने का पूरा अधिकार है। आयुष्मान भव। ॐ अग्नेनाय वसुपधाराय अश्मान् विश्वानिदे भवयुनाय विद्वान् यूयो यस्तत्कामेनो भूर्भुवस्वामिने नमः। ॐ अग्निमीरे पुरो हे मिथिला नरेश, आप अपनी पुत्री का नामकरण करना चाहते थे। जी गुरुदेव। तो सुनिए, ये कन्या रूप गुण और चरित्र में समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगी। नारी के चरित्रवती होने की कसौटी कहलाएगी। संसार में इसकी पूजा की जाएगी। ये कन्या अब आपके विदेह वंश का अंश बन गई है, इसलिए ये वैदेही भी कहलाएगी। आपने इसे अपनी पुत्री मान लिया है, इसलिए इसे जानकी भी कहकर पुकारा जाएगा। हे गुरुदेव, इस कन्या का अपना एक अस्तित्व भी है। ये सारे नाम तो इसकी उपाधियां मात्र हैं, स्वयं इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए गुरुदेव। अवश्य। हे राजा जनक, आपने इस कन्या को एक खेत में पाया था, और उस समय पाया था जब आप धरती पर हल चला रहे थे, इसलिए मैं इस कन्या को सीता नाम देता हूं। सीता अर्थात? सीता अर्थात धरती पर हल चलने से बनने वाली रेखा, यही इसका नाम होगा। इसी नाम से ये ख्याति पाएगी, इसी नाम से इसकी पूजा होगी। सीता, जनक दुलारी सीता।